बाबा हाँ बच्चा हम को अपन चेला बना लियो। तुमको हम चेला बना ले? हाँ बाबा हम वो भटका करी थे। भगता करत की भक्ति कर भटक रहे हैं भटक रहे हो है हमका चेला बना लियो। देखो बेटा चेला तो हम तुमको बना ले लेकिन इसमें परेशानी बहुत है। बाबा देखो हम कुछ पढ़े लिखे नहीं है लेकिन चेला लाग के हम मन हो थे। चेला लाग चेला के लिए तुमको मन कर रहा है बाबा बाबा यही जगह आई के तीन काम कर ले और पलिया मछली खाई के आद पाओ ऐसी आ बच्चा बाबा यही जगह आई के लोन देखाई उधर लट्ठू पर पुठे जाए बाबा। अरे देखुआ मजूर मगुरा भूजा खाए के बैकुंठ जाई हो हाय जान तो हम पक्के पासी आही यही तो तुम सत्यानाशी हो बेटा। बाबा बाबा देह बोए भाई भारी ओ हम का चाहिए तुई बहरारू बच्चा तुम हमार चेलो बनी हो और दुई दुई ठाई मेहरियो रखी हो हमें कुटिया में जाऊं नहीं हुआ तो वा करियो हम का मरियो सत्यानाश करियो। पहले हमारा सुनियो ना बाबा मोए दे भाई भारी ओ हम का चाहिए तुई बहरारू एक बिछावे तुम्हारी सेवा हो बच्चा हो अगर सेवा करावे का अति शौक है तो सन्यास ना लियो नहीं। यही लिए हम लोग सन्यासी यही भी कहे हैं कि हम का घर गृहस्थी से कहो की सेवा करावे से कहो। अच्छा बाबा हम का अपने साथे रख लियो बच्चा कहो भजन आवत तुमका। हाँ बाबा सुनाओ। अरे हमारे साहेब कई सुराती विशाल का गजवा काची मई हाँ घंटा बाजे कया बजे गुरु चेला के काम पर खुश होकर राधे राधे की तरफ से 10 रुपया इनाम है पार्टी कोर के हार्दिक स्वागत। हाँ श्रीमान पिंता भैया पश्चिम गांव निवासी ये बाबा के काम पर खुश होकर 21 रुपया इनाम है पार्टी कोर के हार्दिक स्वागत है। यादव अरमानी बुलंद भाई साहब और सतान निवासी उनकी तरफ से बाबा काम में खुश होकर 10 रुपया सुजलमान पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। अरे काशी मैया पैर लगे बाबा के दरबार का
बाबा चलो देखो हमारा भजन करने का समय हो गया, विश्राम करने का समय हो गया है। ईश्वर का नाम लिया जाए, अब हम ईश्वर का नाम लेंगे, उसके बाद में फिर आगे का काम बताएं। रहो बेटा ज्वाला सिंह और सागर सिंह। धान को ये बोल रहा है, अरे मुनिराज के सामने धान को धान नहीं खरे गेहूं हो। आप कह रहे हो खराब क्या दे
मैं तो कह रहा हूँ धन्य हो, धन्य हो प्रभु जी, धन्य हो। हाँ हाँ यही कहता हूँ। चलो ठीक है लंबरदार, ये बाबा तुम्हारा नाम जान गए? हमारा नाम जान गए? ज्वाला सिंह सागर से। हाँ ज्वाला सिंह और सागर सिंह बहुत जल्दी दिखाई देते हो बेटा, क्या बात है? ज्वाला सिंह वैसे तो तुम इतनी बड़ी रियासत के जिम्मेदार हो और जनता तुम्हारा सम्मान करती है, लेकिन बेटा अगर भाग्य रेखा जानना चाहते हो तो एक मेरी सलाह है कि आप अपनी भाग्य रेखा ना जाने तो अच्छा है। वैसे बेटा मैं एक बार फिर कह देता हूँ कि आप ना जानो तो ही अच्छा है। ज्वाला सिंह जानकर होगी चिंता बड़ी, आप समझोगे बेटा आखिर क्या बात है। जानूंगा कि अच्छी कैसे नहीं है बेटा। हाँ तुम जिद करते हो तो मैं बताने में मजबूर हूँ। जरूर बताइए महाराज, जरूर बताइए, गुस्सा नहीं करना। हाँ तो साल भर की तुम्हारी अरे सुता जो सुनो साल के काबिल अरे तुम रहोगे नहीं लाल जागीर में ही।
ज्वाला सिंह, मैंने पहले बता दिया कि बेटा गुस्सा नहीं करना। देखो बाबा, गुस्से की तो बात छोड़ गए, और इसी वक्त जो अपने कहे हुए शब्द वापस ले लो। ज्वाला सिंह, ये एक संत का वचन है, और ये वचन वापस नहीं हो सकता। क्या बात है बेटा? तुम संत हो? हाँ बेटा। तो हम लंच, वो तो मालूम पड़ते हो। हम कहे थे अपन ये जबान जान दे वापस ले लियो। बेटा, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस नहीं होती। लेकिन सबोली हमरा नाम ठाकुर सागर सिंह है। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। और ज्वाला सिंह के खिलाफ कल आवाज उठाए, सागर सिंह कभी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए हमारे बात को गौर से सुना बाबूली, इसे बचत को वापस ले लो। सागर सिंह वरना याद नहीं, ये सागर सिंह अपने बाप को नहीं बख्शा तो तुम्हें नहीं बख्शे। सागर सिंह याद रखो। हाँ बेटा, याद करो उस बगिया की, जिस बगिया में तुमको पहले बोलो बाबा जी, अपने कहे हुए शब्द वापस लेना चाहते हो? नहीं, नहीं लेना चाहते हो। सूर्य पूरब से पश्चिम में तो ज्वाला सिंह का नाम तुमने, लेकिन वचन कभी वापस नहीं हो सकता। वो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे प्राण चले जाएंगे मगर तुम्हारे वचन नहीं जाएंगे। मगर आज तुमको वचन सागर सिंह वापस करवा दो। अरे बचन अपने वापस तो लेना किया है वापस ले। और ज्वाला सिंह, तू मुझे मार दे, मुझे कोई उजर नहीं, लेकिन ये संत का वचन है वापस नहीं होगा, और ये दिन तुझे देखना पड़ेगा। तुम दोनों एक दिन कुत्ते की मौत मरोगे। अरे बाबा को मारी हो, बाबा को मारी हो, आगे पीछे सोच लियो बाबा, तुमका मारी है आगे पीछे ही नाक बुझिए बाबा। अगर अपने बच्चा वापस मिल लो तो तुम्हारी जिंदगी वापस मिल जाएगी। सागर सिंह, तुम मुझे मौत की धमकी मत दे,
लेकिन ये वचन वापस नहीं हो सकता। हजार कबूली आए और वापस चले गए। अगर फसल वापस नहीं जाओगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओगे। हमें कोई गम नहीं है, लेकिन याद रख सागर सिंह, जिस दिन मरेगा तुझे कोई पानी देने वाला। हजारों आए और वापस चले गए बबली, याद रहे अगर फसल वापस नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। चाहते से मुझे माउस से और बाबा तो अपने आखिरी वक्त है। क्या है ना भी मिलेगा और जाते सारे दो हजार साल पानी मिले या ना मिले। बाबा पानी की धमकी ना दे बाबा, मुझे इसका गम नहीं है पानी मिले ना या ना मिले। और तूने मेरी बेटी पे कीचड़ उछाला है जो तैयार हो जा। मैं तैयार हूं ज्वाला सिंह। साला बबौना मरेगा। आ तो साला सागर सिंह और ज्वाला सिंह क्या कहना चाहता है। तूने एक संत की हत्या की है, आज मैं तुम दोनों को श्राप दे रहा हूं। ज्वाला सिंह याद रख, तूने एक संत की हत्या की है और तुम दोनों को मारने वाला विजयपुर गांव में पैदा होता। और तुम दोनों कुत्ते की मौत मारे जाओगे। हमको मारने वाला हो तो सागर सिंह को मारने वाला कौन पैदा हो गया। सागर सिंह जय सागर जय। बड़ा हुक्म है कि विजयपुर गांव का एक बच्चा बच्चा ना बचने पाए। सागर के लगा दो, चारों तरफ अपने आदमी लगा दो। 30 साल से 35 साल तक के जवान पूरे विजयपुर गांव को घेरवा लो और ये ना बच के जाने पाए। दोस्त क्या बात है। हाँ ताले जो पैदा हो गया है बाबा ने कहा है। शिवाली का ऐलान है कि विजयपुर में वो बच्चा पैदा हो चुका है और जब वो पैदा होते ही साला मार दिया जाएगा तो हमारा तुम्हारा काल कहां से आएगा। ये ठाकुर ज्वाला सिंह का हुक्म है। अच्छा बस ताले हम लोग कन्याकुमारी के सिरताज हैं या विजयपुर तो अपने गांव का एक पुरवा है। वहां ये भी लड़का ना बचने पाए। हाँ ठीक है जाओ। चलो भाई ऐसे पीछे फुल लगा दो। कौन
भी बच्चा बचने न पाए। बच्चा नहीं रहेगा तो ज्वाला सिंह का नहीं रहेगा। चलिए चलो सारे बच्चों को खत्म कर दो और ज्वाला सिंह में कोहरा मचा दो। यह बीजापुर गांव है और बीजापुर गांव का पेड़ पांडे